इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। नगर पालिका चुनाव जो जो नजदीक आता जा रहा है, हर उम्मीदवार अपने वार्ड में जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो परिणाम अपने पक्ष में लाए। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, और इनका मुकाबला बहरोड में एक ऐसे दिग्गज से है जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर है और चेयरमैन के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है राजेंद्र जी आपका हमारे स्टूडियो में आने पर। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल हमारा यही है आपसे कि आपका मुकाबला एक ऐसे दिग्गज से है जो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन का दावेदार है और विगत 10 सालों से लगातार नगर पालिका बोर्ड में उनकी अध्यक्षता कायम रही है, किस तरह से मुकाबला करेंगे आप उनका? देखो जी, मैं वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा मुकाबला जले सिंह से है, लेकिन जले सिंह से जनता ना खुश है। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में अपना कोई काम करके नहीं दिखाया है और मैं जनता के बीच में जाकर ये विश्वास दिला रहा हूँ, अगर मैं 5 साल में बहुत अच्छे काम करूँगा, आपके वार्ड के अंदर हमेशा रात और दिन आपकी सेवा में लगा रहूँगा और मैं जनता से खुश हूँ और जनता भी मेरे से बहुत ज़्यादा खुश है। दो वार्डों में आप चुनाव लड़ रहे हैं, 24 नंबर में आप खुद लड़ रहे हैं, 25 नंबर में आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, इन दोनों वार्डों में आप क्या एजेंडा लेके चलेंगे कि आप चुनाव जीतने के बाद में आप विशेष रूप से ये काम कराएंगे वार्ड के अंदर? देखो जी, मैं दोनों वार्डों में जो भी रोड के काम खराब पड़े हैं, नाले खुले पड़े हैं जिनमें आवारा पशुए पड़ जाते हैं, जनता के जो भी शराब पी के पड़ जाते हैं, उनको सबको सीवर लाइन के अंदर चेंज करवाऊंगा। एक भी गली मोहल्ले में ऐसी कोई नहीं रहेगी कच्ची, जो भी पब्लिक ये कहे कि मेरे मोहल्ले में मेरे घर तक कोई रोड नहीं बना है, मैं वो करवाऊंगा। लाइट 24 घंटे मोहल्ले में चस्ती रहे, रात को भी बहुत अच्छी तरह रहे, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं मेरे पैसे से पूरे मोहल्ले में कैमरे अपने पैसे से लगवा के और मैं जनता को वो राहत दूंगा। खास तौर से आम लोगों की समस्या होती है, रास्ते टूटे हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं और जो नालियों के अंदर पानी भरा रहता है, गंदगी रहती है, उसके लिए आपने क्या विशेष योजना बनाई है? मैंने विशेष योजना, हमने यही सोची है कि भाई इनमें सीवर लाइन, गंदों नालों में सीवर लाइन डलवाई जाए तो जिससे वो नाले ढके जाएं और जो लैटरिन का गंदा पानी या गंदा पानी आता है ये वहाँ मोहल्ले में ना बिखरे, और मैं ऐसी कोई भी जगह होगी जहाँ पानी रुकता होगा, जहाँ गंदगी होगी, उसको सबसे पहले उस जगह को दुरुस्त करवाने की कोशिश पूरी पूरी करूँगा। पिछले 5 साल में नगर पालिका बोर्ड में जले सिंह यादव की भतीजी चेयरमैन थी, उससे पहले जले सिंह खुद चेयरमैन थे, इन 10 सालों का अगर आप आकलन करें, क्योंकि आप भी बहरोड में सक्रिय रहते हैं हमेशा, तो किस तरह का कार्यकाल आप मानते हैं कि 10 साल के अंदर बहरोड के अंदर क्या विकास कार्य हुए, क्या होने चाहिए थे? देखो, 10 साल में कोई ऐसे खास कार्य नहीं करवाए इन्होंने और इस 5 साल में तो इन्होंने बिल्कुल ही कोई कार्य नहीं करवाया और जनता इनसे बिल्कुल नाखुश है, और 5 साल में तो इन्होंने 5 रुपये भी नहीं लगाए, और जब मेरे साथ मेरी व्यापारी लोग 15 साल से जुड़े हैं, जब वो खुश हैं तो जनता मेरे से अपना आप ही खुश होगी। अगर मैं खराब होता तो व्यापारी लोग भी मेरा साथ क्यों देते, अब व्यापारी लोग भी मेरे साथ हैं और मेरा कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। राजेंद्र, 24 और 25 नंबर वार्ड के अंदर ऐसी क्या विशेष कमियां रह गई जिसको आप चुनाव जीतने के तुरंत बाद उसको पूरी कराएंगे? देखो, 24 और 25 में कमियां तो उनको क्या गिनाऊं, सारी कमियां ही कमियां हैं दोनों वार्डों के अंदर। हमारे दोनों वार्डों में तो कभी भारी नहीं निकली, कोई मजदूर जाके वहां काम ही नहीं किया, गंदियां पड़ी रहती है, सिड़े रहते हैं सब, इन दोनों वार्डों में तो आज तक कोई काम हुआ ही नहीं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप भी क्षेत्र में पूरे भैरोड में घूम रहे हैं, अपने वार्ड के अलावा भी आप हर आदमी का मन टटोल रहे हैं, क्या लगता है आपकी बार कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल 100% हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और कांग्रेस ने हमारे पे विश्वास करके ही हमें टिकट दिए, दोनों मेरे को और मेरी धर्मपत्नी को, और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, विधायक जी हमारे साथ हैं, विधायक जी बोर्ड बनाएंगे और पक्का बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। राजेंद्र जी, एक सवाल है, आपके वार्ड में 587 मतदाता हैं और आपकी धर्मपत्नी के 25 नंबर वार्ड में 468 वोट हैं, अगर 80% या 70% पोलिंग होती है तो आप क्या जीत का अंतर मानते हैं? हमारा दोनों वार्डों से बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर नहीं रहेगा, हमारा बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, 3/4 में रहेंगे ये और कैंडिडेट मेरे सामने, क्योंकि जनता का मेरे साथ बहुत सहयोग है, जनता को मैं हमेशा चाहता रहूं, आगे तो इनके सेवा के लिए मैं खुद समर्पित रहूंगा और जनता का सहयोग मेरे साथ खूब चल रहा है। राजेंद्र जी, जब हम आपके वार्ड में जाते हैं और लोगों से जब उनकी राय जानते हैं तो राय खुल के नहीं दे रहे हैं, चुप वोट हैं, साइलेंट वोट हैं,
आखिर ऐसा क्यों है कि वोटर खुल के क्यों नहीं बोल रहा? देखो, कुछ तो वोटरों की समस्या क्या होती है कि लोकल चुनावों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि भाई दबाव उनके ऊपर नहीं बन जाए, व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, अगर खुले मेरे साथ आने से उनके ऊपर दबाव पड़ जाता है तो दबाव के कारण वो खुले नहीं आते। बाकी अंदरूनी आत्मा से वो मेरे साथ है और साथ रहेंगे, और मैं उनका पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। दोनों वार्डों के अंदर मेरी धर्मपत्नी मैं अपनी खूब सेवा का मौका देंगे। राजेंद्र जी, चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि वोटरों को लुभाने के लिए शराब और नोट बांटे जाते हैं, आप किस तरह का साफ सुथरा चुनाव लड़ेंगे? देखो, ये शराब और नोट बांटना तो एक बहुत ही बड़ी गलती है, ये तो चुनाव का माहौल खराब करने की है। शराब देना, नोट बांटना, ये तो वो करते हैं जिनको अपनी हार दिखाई दे रही हो, अगर मेरी हार है इसलिए मैं बांट रहा हूँ, तो मैं तो ये शराब और पैसे के मामले में खिलाफ हूँ। जनता देगी तो सहयोग मेरा, अपने आप ही आशीर्वाद देगी मेरे को, और जनता से मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो मेरा साथ देगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आपको साफ सुथरा आदमी लगे, जो ईमानदार लगे, बढ़िया छवि का आदमी लगे, जो आपके वार्ड में काम करवा सके, उसको वोट दें आप और अपना प्रत्याशी चुने। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वो चुन के आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता उनके वार्ड में ये रहेगी कि सीसीटीवी कैमरे उनकी गलियों के अंदर रहें, सड़कें बने और नालियाँ साफ रहें, मूलभूत सुविधाएँ जो भी आम नागरिक की होती है उनको वो आते ही दुरुस्त कराएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें RAT24। नमस्कार। नगर पालिका बहरोड के वार्ड नंबर 25 से पार्षद पद हेतु कांग्रेस की लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती सरोज देवी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनावें। आपका हर वोट मेरी ताकत। नगर पालिका बहरोड के वार्ड नंबर 24 से पार्षद पद हेतु कांग्रेस के जनप्रिय राजेंद्र सिंह यादव को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। मेरा वार्ड, मेरा अभिमान, सबका मान, सबको सम्मान।